अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्बास जंजुआ और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एजे इंजीनियरिंग। तो फ्रेंड्स जी, आप देखते हैं हमारे पास स्प्लिट एसी है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है। कस्टमर कह रहा है कि कूलिंग नहीं कर रहा है, तो मैं इंडोर यूनिट पे आया हूं और मैंने इसके साथ थर्मामीटर लगाया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो टेम्परेचर शो हो रहा है ये 22 शो हो रहा है। मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारे पास टेम्परेचर जो है 22 शो हो रहा है और ये कूलिंग जो है बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं कर रहा है, तो इसमें कुछ फॉल्ट है। तो मैं आउटडोर यूनिट के पास चला जाता हूं और देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है और हमने कैसे फॉल्ट को जो है फाइंड आउट करना है और कैसे ओके करना है। और बिल्कुल भी जो है कूलिंग नहीं कर रहा है। मैंने थर्मोस्टेट जो है इसके अंदर अच्छे से लगाया हुआ है और हमें जो है कोई भी कूलिंग देखने को नहीं मिल रही है। तो मैं सिंपल आउटडोर यूनिट पर जाता हूँ और उसको देखते हैं कि क्या इसमें फॉल्ट है और हमने कैसे फॉल्ट को फाइंड आउट करना है। तो सिंपल मैं आउटर यूनिट पे आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं इन्होंने जो है कुछ मॉडिफाई किया हुआ है, मॉडिफिकेशन की हुई है। जो है ये एलजी कंपनी का आउटर है और नीचे जो इनकी यूनिट है वो मिशिबीशी कंपनी की है, ठीक है। तो इन्होंने मॉडिफाई किया हुआ है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा आइस देखने को मिल रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके सारे पाइपों जो है पाइपों पर आइस आ रही है। तो सबसे पहले जो है मैं इसके साथ गेज लगा लेता हूँ, गेज लगा के देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसकी गैस की प्रॉब्लम है या इसमें कुछ और प्रॉब्लम है। और एक कस्टमर कह रहे हैं कि मैंने इसमें दो तीन बार जो है गैस चार्ज करवाई है, उसके बावजूद जो है कुछ दिन गुजरने के बाद जो है इसमें ठंड कम हो जाती है। तो सिंपल इसमें चेक कर लेते हैं, एसी को ऑन हालत में चेक कर लेते हैं कि हमें जो है इसमें कितना प्रेशर देखने को मिलता है। सिंपल इस नाट को मैं ओपन कर लेता हूँ और गेज मीटर लगाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने जो है गेज इसके साथ लगा दी है और हमें जो रनिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है वो 20 मिल रहा है, तो बहुत कम इसमें गैस है। तो ज़्यादातर इस कंडीशन में जो फॉल्ट आते हैं आपके फ्लेयर नट से भी लीकेज हो सकती है और आपके इन जो नट है ये दो जो नट हैं आपके इन नट से भी लीकेज हो सकती है। तो जो है सबसे पहले मैं एसी को बंद कर लेता हूँ और इसके जो है इसको इन दोनों नटों को ओपन कर लेते हैं और ओपन करके देख लेते हैं कि आया इनके इस नटों में फॉल्ट तो नहीं है। इस नट के अंदर जो रबड़ होती है जो जिधर से आप गैस को ओपन करते हैं और क्लोज़ करते हैं अक्सर औकात ये ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहले मैं एसी को बंद कर लेता हूँ और बंद करने के बाद हम देख लेते हैं कि इसमें किस जगह से लीकेज है। तो वीडियो को स्टॉप करता हूं और एसी को ऑफ होने के बाद मुकम्मल जो है ये नट खोलने के बाद मैं आपको दिखा देता हूं। तो काफ़ी टाइम गुजरने के बाद जो है मैंने एसी को स्टैंड बाय पे रखा हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे पास जो गैस अभी जो स्टैंडिंग प्रेशर शो हो रहा है वो 60 शो हो रहा है, तो बहुत इसमें गैस कम है। तो ये गैस किस जगह से निकली है हमें चेक कर लेते हैं। तो ये इनके नट में जो है डाउट है कि इसके नट टेप लगा के जो है इन जो है नटों में उन्होंने जो है ये जो आपकी थ्रेड टेप होती है उन्होंने ये इस्तेमाल की हुई है। तो ये आप देख सकते हैं आपको अच्छे से नज़र आ रहा है इसमें बहुत ज़्यादा जो है ये लीकेज है। आप देख सकते हैं या जिसने बहुत ज़्यादा इसमें जो है इसके जो वाल है लीक है। तो मैं जो है ये दोनों वाल इसके चेंज कर लूँगा और अमने वाल लगा देंगे ताकि हमें जो है ये मुस्तकबिल में प्रॉब्लम ना आए। तो अभी जो है ये दोनों वाल मैं चेंज कर दूँगा और चेंज करके आपको दिखा दूँगा कि आपने कैसे जो है किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इन वाल को दोनों को चेंज करना है। तो एसी की सारी गैस को मैं रिलीज़ कर लेता हूं और रिलीज़ करने के बाद मैं वाल चेंज करते हुए आपको दिखा देता हूं। वीडियो को स्टॉप करता हूं और मुकम्मल आउटर यूनिट को खोलने के बाद ओपन करने के बाद जब मैं इसके वाल निकालूंगा नए वाल लगाते हुए मैं आपको दिखा दूँगा। तो ये आप देखते हैं मैं जो है ये मैंने दो न्यू वाल जो है बाई किए हैं। ये हमारे पास 3/8 का वाल है और ये हमारे पास जो है 3/4 का वाल है, ठीक है। तो सिंपल जो है अभी मैं इनको जो है इस पर लगा के आपको दिखा देता हूँ कि आपने कैसे जो है इनको इसके साथ जो है फिट करना है। ये वाला वाल मैं इसमें लगाते हुए आपको दिखा देता हूँ। वाल लगाने से पहले आपने जो है कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है, कुछ एहतियात करनी है आपने। इसकी जो है ये रबड़ वाले सिस्टम है, ये रबड़ वाले सेक्शन जितने भी हैं इसके आपने उतार लेने हैं। इसके अंदर जो पिन वाल है ये भी आपने निकाल लेना है अगर पॉसिबल है। तो इसके अंदर जो ये नट खोलते हैं तो इसके अंदर जो रबड़ होती है आप उस रबड़ को भी बाहर निकालें तो बेहतर है। अगर नहीं निकाल सकते हैं तो कोई जो है मसला नहीं है, अगर आप निकाल लें तो बेहतर है इसके अंदर जो रबड़ होती है। तो हमने जो है एक कोई भी चीज़ जो है भिगो लेनी है पानी में और इधर लगा देनी है ताकि हमारे जो है कोई भी चीज़ गर्म होकर ख़राब ना हो। तो सिंपल जो है मैं कोई भी चीज़ जो है इसमें थोड़ी सी जो है पानी से भिगो लेता हूँ और भिगोने के बाद इसके साथ लगा लेता हूँ ताकि हमें कोई भी परेशानी देखने को ना मिले। इस तरह का आपने कोई भी कपड़ा ले लेना है, उसको जो है पानी में आपने अच्छे से जो है उसको पानी लगाना है। तो इस तरीके से जो है पानी लगाने के बाद आपने इसके साथ रखना है। बस आपने इस तरीके से जो है कपड़ा जो भी आपके कपड़ा है वो आपने इस वाल के इर्द गिर्द लगा देना है ताकि इसको कोई भी जो है ईट ना लगे, ठीक। इस तरीके से आपने इस कपड़े को अच्छे से जो है इधर लगा देना है और लगाने के बाद मैं इसको फिट कर लेता हूँ
और फिट करके जो है इसको ब्रेजिंग करते हुए आपको दिखा देता हूँ कि आपने इसको कैसे जो है ब्रेज करना है। तो बिल्कुल अच्छे से जो है हमने जो है इसको इधर फिट कर लेना है, और फिट करने के बाद हमने इसको इधर जो है ब्रेजिंग कर लेना है, ठीक है, ताकि आपकी जो वाल में हीट ना पहुँचे और आपका वाल डैमेज ना हो। ब्रेजिंग टॉर्च को ओपन कर लेता हूँ, मैंने ब्रेजिंग टॉर्च को ओपन कर लिया है, और चले मैं इसमें जो है सोल्डिंग कर लेता हूँ, और सोल्डिंग करके आपको दिखा दे राम के साथ आपने सोल्डिंग करनी है, कोई भी आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल अच्छे के साथ अच्छे से आपने इसमें सोल्डिंग करनी है, ताकि आपको कोई भी लीकेज के चांसेस ना रहे। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने जो है बिल्कुल जल्दी से जल्दी इसको सोल्ड कर लेना है, ताकि आपका पानी खुश्क ना हो। तो आप देख सकते हैं मैंने जो है इसको अच्छे से सोल्ड कर दिया है, आपको जूम करके दिखा देता हूँ, हमारा जो ये वाल सोल्ड हो चुका है, ठीक है। तो अभी मैं बड़े वाला वाल सोल्ड कर लेता हूँ, और सोल्ड करके मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं हमने जो है छोटे वाला वाल अच्छे से जो है ब्रेज कर दिया है, बेहतरीन इसकी ब्रेजिंग कर दी है, और उसके बाद हमने जो है इसका बड़ा वाल जो है इधर लगाया है, इसके हमने स्क्रू हल्के से टाइट किए हैं, और अभी हमें जो है एक इस तरीके से जो है एल्बो की ज़रूरत है, बैंड की ज़रूरत है, जो हम इस जगह पर लगाएँगे, और उसके बाद हमने जो है इस ऊपर इधर से इसको ब्रेज करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले जो है हमने इसको इधर से अंदर से ब्रेज कर लेना है, इस वाल के साथ ब्रेज करने के बाद में हमने इसको जो है ऊपर वाली साइड से ब्रेज कर लेना है, उसके बाद हम इसको फिट कर लेंगे, फिट करने के बाद हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलें सिंपल जो है मैं इसको सबसे पहले इधर नीचे वाली साइड पे ब्रेज कर लेता हूँ, और ब्रेज करते हुए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सेम तरीकाकार अपने इस्तेमाल करना है, आपने अच्छे से जो है कोई भी आपने चीज़ ले लेनी है, कपड़ा हो आपके पास, कोई भी चीज़ हो जिसे आपने अच्छे से जो है पानी लगा लेना है, ऐसा इसको जो है रख लेना है, उसके बाद आपने जो है इसमें जो है ब्रेजिंग कर लेनी है, ताकि आपके जो है वाल में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपने बिल्कुल एहतियात और ध्यान से काम करना है, अगर आप इसमें पानी वाला कपड़ा नहीं रखेंगे तो इससे जो है आपको काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो चले अभी इसमें इसकी ब्रेजिंग कर लेता हूँ, तो ये आप देखते हैं मैंने अच्छे से जो है इसकी ब्रेजिंग जो है कंप्लीट कर दिया है। आपने बहुत ज़्यादा इसको गर्म नहीं करना है, बहुत ज़्यादा जो है हीटिंग नहीं देनी है, ताकि आपको कोई नुकसान का सामना ना करना पड़े, और आपने लाजमी जो है कोई भी चीज़ जो है इसमें भिगो के रखनी है, ताकि आपको आसानी से जो है इसमें जो है कोई भी मसला देखने को ना मिले। और आपने दोनों आइलैंड की वाल जो है ओपन कर लेने हैं, इधर से आपने गैस जिस तरह एसी के गैस खोलते हैं, इस तरह आपने दोनों वाल को जो है ओपन कर लेना, ये भी चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और अभी हमारी ये ब्रेजिंग कंप्लीट हो चुकी है, अभी मैं इसको फिट कर लेता हूँ और इधर ब्रेजिंग कर लेता हूँ। ब्रेजिंग मुकम्मल करने के बाद मैं इसको जोड़ लेता हूँ, जोड़ने के बाद मैं वैक्यूम करने के बाद प्रॉपर इसमें गैस चार्ज कर देता हूँ। गैस चार्ज करने के बाद हम एसी में देख लेते हैं हमारा एसी वर्क कर रहा है नहीं वर्क कर रहा है। स्टॉप, मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ, उसको कम्प्लीट करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। सिस्टम को जोड़ने से पहले आपने एक बार जो है कन्फर्म कर लेना है, जो आपने जितनी भी इसमें ब्रेजिंग किया उसमें कोई लीक वगैरह तो नहीं है, ठीक है। तो सारी मैंने इसमें जो है अच्छे से जो है ये ब्रेजिंग करने के बाद इसमें जो है एक जाग लगा दी है, साबुन से मैंने इसके ऊपर जाग लगा दिया है, आप लीक डिटेक्टर से भी चेक कर सकते हैं। और मैंने इसमें जो है R22 गैस दे दिया, आप देख सकते हैं तकरीबन जो है 58 जो है इसका प्रेशर, आप देख सकते हैं अगर ज़रा सी भी लीकेज हो तो हमें बिल्कुल शो हो जाए, कोई भी जो है इसमें लीकेज वगैरह नहीं है। तो अभी जो है मैं इसको पूरी यूनिट को जोड़ लेता हूँ, वैक्यूम करने के बाद इसमें गैस चार्ज करने के बाद मैं आपको चला के दिखा देता हूँ नीचे इंडोर में कि हमारा जो अभी एसी जो अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी इसके वाल वगैरह हमने अच्छे से जो लगा दिए हैं, अभी हमारे पास लीक डिटेक्टर नहीं था इसलिए मैं जो है इस जा की मदद से चेक कर रहा हूँ। और आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपने मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आपने इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि आपने कभी भी इसमें एयर नहीं भरनी है। जब भी आप इसमें प्रेशर चेक करें, लीक टेस्टिंग चेक करें, तो आपने R22 गैस या कोई और गैस आप इसमें चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, क्योंकि अगर आप इसमें एयर भरेंगे तो आपके जो है मॉइस्चर सिस्टम में चल जाते हैं, जो आपको बाद में नुकसान दे सकते हैं। तो अभी मैं इसको कम्प्लीट कर लेता हूँ, और कम्प्लीट करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसकी जो है वैक्यूम कम्प्लीट कर दिया है,
हमारी जो है वैक्यूम सुई अपनी जगह पे रुकी हुई है, मैंने इसको काफ़ी टाइम हो चुका है मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, बिल्कुल भी हमारी वैक्यूम जो है एक पॉइंट भी जो है ऊपर की तरफ नहीं आ रही है, हमारी वैक्यूम बिल्कुल भी टूट नहीं रही है। वैक्यूम टूटने से मुराद ये होता है कि जो हमारी सुई जिस जगह पर हमने वैक्यूम करने के टाइम रोकी थी उसी जगह पर रुकनी चाहिए, ऊपर की तरफ आए हमारी सुई तो उस सूरत में हमारे जो है एसी में या इनडोर में या आउटडोर में या हमारे पाइपों में किसी जगह पर जो है लीकेज होती है। तो काफ़ी टाइम गुजर चुका है तो मैंने देखा जिस जगह पे मैंने सुई रखी हुई थी उसी जगह पे हमारी सुई रुकी हुई है, अभी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है तो बिल्कुल अभी मैं इसमें गैस चार्ज कर सकता हूँ। वैक्यूम करते हुए मैंने आपको इसके लिए नहीं दिखाया कि आगे से आपको वीडियो में बताया हुआ है आपने किस तरीके से वैक्यूम करनी है, वीडियो लंबी हो जाती है। मैं सिस्टम में कंप्लीट गैस भर लेता हूँ, गैस भरने के बाद सिस्टम को चलाता हूँ, आपको सिस्टम का रनिंग प्रेशर दिखा दूँगा और आपको एसी की परफॉर्मेंस दिखा दूँगा और दोबारा मैं आपको चेक करके दिखा दूँगा कि इस जगह से दोबारा लीक तो नहीं हो रहा है। तो वीडियो को थोड़ा स्टॉप करता हूँ और उसको कम्प्लीट करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं एसी में जो है गैस अच्छी से जो है मैंने चार्ज कर दिया, हमारा रनिंग पैर 60 आ रहा है और एम्पीयर आप देख सकते हैं 13 आ रहे हैं। तो चलें सिंपल जो है मैं अभी जो है आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि हमारे जो ये इधर से हमने इसकी लीकेज रिपेयर की है अभी इधर से कोई हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही। सिंपल मैं इसमें साबुन लगा लेता हूँ अच्छे से और अभी मैं नट ये टाइट करके आपको दिखा देता हूँ जो इसके डट नट है कि हम इसको लगाते हैं तो इसको लगाने में हमें जो है कोई भी लीकेज देखने को मिलती है या नहीं। बिल्कुल भी आपको कोई भी इधर जो है लीकेज देखने को नहीं मिलनी चाहिए, जब आप नट को थोड़ा सा लूज़ करें फिर टाइट करें तो बिल्कुल भी आपको जो है कोई भी इसमें लीकेज देखने को नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि हमने नए वाल लगाए हैं आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारे वाल जो है काम कर रहा है। और अभी इस वाल का डड नट बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलें नीचे वाले जो है डड नट में लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें इधर भी कोई प्रॉब्लम देखने को तो नहीं मिल रही है। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल भी जो है दानू डाट नाट में हमें जो कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है आप देख सकते हैं। अगर मैं इनको लूज़ करता हूँ टाइट करता हूँ तो कोई भी जो है लीकेज वगैरह हमारी इधर नहीं हो रही है आप देख सकते हैं, बिल्कुल हमारे जो है ये दानू जगह से बिल्कुल हमारे जो है ये ओके है ये आप देख सकते हैं। तो हमारा एसी जो बिल्कुल अच्छे तरीके से जो वर्क कर रहा है आप देख सकते हैं, इसके जो है रनिंग प्रेशर भी देख सकते हैं और इसके एम्पीयर भी देख सकते हैं और अभी हमारी कोई भी किसी लाइन पर भी जो आप देख सकते हैं आइस नहीं आ रही है आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल हमारी जो लाइन ओके है। और अभी मैं नीचे जाने के बाद आपको जो है इसका कूलिंग जो है दिखा देता हूँ कि इसमें जो है मैं कितनी अभी जो है टेम्परेचर नीचे दिखा रहा है रूम में। तो सिंपल जो है मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ और नीचे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं अभी हमारा जो है एसी बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से कूलिंग कर रहा है, ये आप देख सकते हैं 7.5 जो है इसका टेम्परेचर आ रहा है जो कि बहुत अच्छा टेम्परेचर है और बेहतरीन जो है अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। अभी इसमें सर्विस जो है बाकी है, सर्विस होने वाली है तो किसी और टाइम जो है हम इसकी सर्विस करेंगे। तो अभी जो है बेहतरीन तरीके से एसी वर्क कर रहा है आप देख सकते हैं। इसमें जो बेसिक प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इसके जो वाल थे वो लीक हो चुके थे और कस्टमर जो है तंग हो चुके थे इसकी जो है गैस डलवा के, तो मैंने जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से रिपेयर कर दिया है आप देख सकते हैं। हमें टेम्परेचर जो है 7.4 मिल रहा है, काफ़ी टेम्परेचर जो है हमें कम मिल रहा है और अभी हमारा एसी जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो उम्मीद है आप दोस्तों को इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।